नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, मैं विशाल मेघानी एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर गाइडेंस विद विशाल मेघानी पर। दोस्तों, ओएनजीसी का जो रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है, जिसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑलरेडी आप लोगों को कॉल आ चुका है, राइट। इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा या मेडिकल कैसे होगा, इसके ऊपर गाइड आपको मैंने किया था एक वीडियो बनाकर। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत क्यूरीज हैं। तो आज के इस वीडियो के थ्रू दोस्तों, मैं आप लोगों को आपकी क्यूरीज का आंसर देने की कोशिश करूंगा। जो भी बातें मैं आप लोगों के साथ यहां पर इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, वो किसी प्रॉपर चैनल्स के थ्रू दोस्तों मैंने उनके उनका पता लगाया है, ओके। और उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ यहां पे वो बातें सारी शेयर कर रहा हूं, राइट। दोस्तों, सबसे मेन अगर मैं बात करता हूं यहां पे, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के मन में क्योरी है वो क्या है कि सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान एडवर्टाइजमेंट में ये बोला गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट लाना चाहिए, राइट। ओके दोस्तों, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर हम दोस्तों जहां पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहां पर बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे हम 10th बोर्ड का जो सर्टिफिकेट होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या वो सर्टिफिकेट यहां पर भी चलेगा या नहीं चलेगा दोस्तों, है ना। ये सबसे ज्यादा लोगों के मन में क्योरी है, राइट। दोस्तों देखिए, मैं भी ONGC में जॉब कर चुका हूं, हमारा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और उस समय हमने भी बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट ही सबमिट किया था दोस्तों, राइट। स्पेशल बर्थ सर्टिफिकेट हम वहां पे लेके नहीं गए थे, क्योंकि दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट बहुत लोगों के पास नहीं होता है, तो आप लोगों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों का 10th बोर्ड का जो सर्टिफिकेट वो चल जाएगा। लेकिन फिर भी इस बार मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि इस बार जो रिक्रूटमेंट ये हो रहा है ये सेंट्रली हो रहा है दोस्तों, है ना। तो इस बार हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो, लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पर बर्थ सर्टिफिकेट ना होने की वजह से किसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आप लोगों को समय दिया जाएगा कि इतने समय में प्लीज ये डॉक्यूमेंट आप लेके आइए, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट तो डेफिनेटली दोस्तों ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो कोई फेक बनाएगा, वो तो सबके पास होता ही है दोस्तों, है ना। तो आपको वहां पर 10th बोर्ड का मार्कशीट सबमिट करना है, एज अ 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट सबमिट करना है एज अ बर्थ सर्टिफिकेट दोस्तों, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी फॉर अ सेफ साइड दोस्तों, आप लोग क्या करिए, आप लोग दोस्तों एक एफिडेविट बना लीजिए जिसके अंदर आप लिखिए कि मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो खो गया है, मेरा बर्थ यहाँ यहाँ पर ये तारीख को हुआ था, है ना, और बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे मैं 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट जो है वो प्रेजेंट करने वाला हूँ दोस्तों। ये एक एफिडेविट बना लीजिए और वो एफिडेविट आप वहाँ पे सबमिट मत करिए, ONGC में सामने खुद होके मत बताइए कि मैंने ये एफिडेविट भी लाया है। अगर आपसे मांगा गया तो आप रिप्रेजेंट करिए, नहीं तो नहीं दोस्तों। समझ में आया। फिर भी मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि आप लोगों को डेफिनेटली दोस्तों टाइम दिया जाएगा, आप लोगों को तुरंत दोस्तों ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो यू आर रिजेक्टेड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, यू विल गोइंग टू गेट अ टाइम। ओके दोस्तों, चलिए अब दोस्तों देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों ने हमारे उस वीडियो पे किया था। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को थैंक यू सो मच, इतना व्यूज मेरे पहले ही वीडियो को आप लोगों ने दिया, लगभग 1500 लोगों ने उस वीडियो को देखा है, इसके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों आप लोगों को। ओके चलिए, तो ये जो आप लोगों ने कमेंट्स उस वीडियो पे की हैं बहुत सारी, वो कमेंट्स हमने यहाँ पर ऐड की हैं, वो कमेंट्स मैं फटाफट से पढ़ता हूँ और उसका आंसर आपको देता हूँ। भले ही दोस्तों ये कमेंट आपने नहीं की हो, फिर भी इस वीडियो को जरूर देखिए, हो सकता है किसी और के मन में जो क्योरी है उसके थ्रू आपका भी कुछ क्योरी सॉल्व हो जाए, है ना। देखिए क्या पूछा है सर, ये तो बर्थ सर्टिफिकेट का मैंने आपको बता दिया, 10 बर्थ सर्टिफिकेट, बहुत लोगों ने सर यही कमेंट किया है। हाँ, किसी ने दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है कि मेरे परसेंटेज मैंने गलत भर दिए थे सर। अब देखिए कितना माइनर सा आपने वहां पे गलती किया है, यहाँ पे 98 है, आपने 91 भरा या 91 भरा है 98 है, जो भी है, लेकिन इतना माइनर फर्क के कारण आप लोगों को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। समझ में आया, तो डोंट वरी। ओके, उसके बाद अगला क्या दिया है दोस्तों यहाँ पे, सर अगर PWD की 2 सीट है और SC के PW सिलेक्ट होता है तो क्या SC की सीट 0 होती, उसको कौन सी सीट मिलेगी। सर अगर PWD की 2 सीट है दोस्तों, ओके, और PWD और SC का PWD सिलेक्ट होता है तो, और देखो दोस्तों कैटेगरी में क्या होता है आप लोगों को पता है, हाँ ना, मैं जनरल क्लियरिफिकेशन आपको दे रहा हूँ कि अगर आप दोस्तों अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आपको जनरल की सीट्स में लिया जाता है, बाद में आप लोगों को आपकी कैटेगरी के सीट्स में लिया जाता है। समझ में आया, ठीक है ना, क्लियर है। कैटेगरी की सीट्स खाली रह सकती है लेकिन जनरल कैटेगरी की सीट कोई खाली नहीं रहती है, जिसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है,
ठीक है, चलिए। उसके बाद दोस्तों क्या है सर, मेरा ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अप्रेंटिसशिप और कंप्लीट आईटीआई का डेट सेम आ गया था दोस्तों, तो उसका कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा इतना। ये माइनर माइनर सी गलतियां दोस्तों, माइनर माइनर मिस्टेक्स के कारण ONGC में आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आपको बता दूं कमेंट पढ़ने से पहले, कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट है कि सर हमारा मेडिकल कब होगा, हमारा फिजिकल कब होगा, एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा या बाद में होगा। दोस्तों आपका मेडिकल या आपका फिजिकल दोस्तों अभी बिल्कुल भी नहीं होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ DV होगा, दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, राइट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है, आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अब फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है दोस्तों, तो अभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाया है, दिस इज नॉट योर फाइनल सिलेक्शन। यहां पर उन्होंने 1:5 रेशो में बुलाया है, ये आपको बात पता होनी चाहिए, है ना। मतलब एक वैकेंसी के पीछे 5 लोग, हालांकि क्यों बुलाया है हमें भी नहीं पता है, इंटरव्यू तो है नहीं। 1:2 रेशो में बुलाते तो भी इनफ हो जाता, क्योंकि ONGC लगभग कोई छोड़ के जाता नहीं है। दूसरा, रिजेक्शंस भी यहां पे ना के बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो रहे हैं, तो 1:2 मैक्स टू मैक्स 1:3 बुलाते तो भी चल जाता, लेकिन क्यों ज्यादा गर्दी बढ़ा रहे हैं पता नहीं दोस्तों, क्यों लोगों के मन में होप पैदा कर रहे हैं पता नहीं है, ठीक है। फिर भी दोस्तों आप लोगों का जब DV हो जाएगा, उसके बाद जब आपको फाइनल सिलेक्शन का कॉल आएगा, उसके बाद आप लोगों का फिजिकल या मेडिकल होगा। अगर उस समय फिजिकल या मेडिकल में कोई रिजेक्ट होता है, जो कि बहुत कम होते हैं दोस्तों लोग, अगर कोई होता है देन एक वेटिंग लिस्ट आगे होती है जिसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। समझ में आया दोस्तों, ठीक है, चलिए। तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों। ये सिद्धार्थ चक्रवर्ती जी बोले सर कॉल लेटर फॉर त्रिपुरा नॉट आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा। ओके सर, मेरा इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर जुलाई में इशू हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, उनको वहां पे खुद होके मत बताइए, इफ दे रिकॉग्नाइज हो सकता है आपको अलाउ कर दें, लेकिन इन दैट केस अगर वो रिजेक्ट करते भी हैं, जैसे मैंने आपको बोला मेरा खुद का इस कारण रिजेक्शन हो चुका है, तो हो सकता है रिजेक्शन हो भी जाए दोस्तों, ठीक है ना। सर मेरा स्टेट राजस्थान है, मेरा सिलेक्शन गुजरात से हुआ है, क्या एलिजिबल हूं? नहीं भाई, आपके पास गुजरात का डोमिसाइल नहीं, तो आप कहां से एलिजिबल होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, ऐसे बहुत सारी क्यूरीज आई हैं दोस्तों, हम सारी नहीं लेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वही लेंगे। किसी ने बोला सर मेरा वेट 57 kg है और ड्रिलिंग के लिए अलाउएबल वेट 58 kg है, तो मेरा रिजेक्शन होगा क्या? अरे भाई, रिजेक्शन होने क्यों दे रहे हो, अभी आपके पास लगभग 1.5-2 महीने और हैं, या 1 महीना कम से कम है, 1 किलो वजन तो बढ़ा ही सकते हो आप, बनाना खाओ, नॉनवेज खाओ, जैसे करना है करिए आप, है ना। चलिए दोस्तों, ठीक है, ड्रिलिंग के लिए होने वाले फिजिकल तो मैंने ऑलरेडी बता दिया दोस्तों। आई मेड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आफ्टर एडवर्टाइजमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आपने एडवर्टाइजमेंट के बाद बनाया डोमिसाइल, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास डोमिसाइल का होना जरूरी है एट द टाइम ऑफ द DV, ठीक है दोस्तों। चलिए, ओके, कोई दिक्कत है दोस्तों? ओके दोस्तों, चलिए, यहाँ पे हमने मैक्सिमम जो कमेंट्स हैं वो दोस्तों ली हैं, लेकिन हाँ, इन सभी कमेंट का एक सार मुख्य रूप से 2 या 3 बातें लोगों ने सबने पूछी हैं। पहला, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट का मैंने आपको बता दिया। दूसरा दोस्तों, डॉक्यूमेंट आप लोगों के कुछ कुछ, जैसे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट हो गया, या हैवी व्हीकल का लाइसेंस हो गया, आप लोगों का डेट ऑफ एप्लीकेशन के बाद का है दोस्तों, है ना। तो इस केस में अब सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये प्योर डिपेंड करता है उसके माइंड के ऊपर, कौन जो वहाँ पे डीवी के लिए बैठा है। अगर उन्होंने अलाउ किया तो हो जाएगा, नहीं किया तो थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो सकता है। फिर भी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दूंगा आपको, अगर कोई क्यूरी होगी तो मुझसे पूछना, मैं आपको वहां पर भी गाइड कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उस टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। उसके ऊपर दोस्तों हम आने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं उन सभी का गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे, PDF फाइल वहाँ पे सबमिट करेंगे। साथ साथ हमारा ये YouTube चैनल भी दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही दोस्तों जो वैकेंसीज आते रहेगी उसका गाइडेंस हम आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, हमारा ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को दिल से बहुत बहुत थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए, अपना समय वेस्ट कम से कम करिए। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग दोस्तों।